आपका फर्टिलिटी से डायरेक्ट लेना देना है, ठीक है ना। कैसे लेना देना है, क्योंकि अगर आप बात करो तो कार्बन साइकिल जैसे है ना, वो कार्बन साइकिल, तो आपको पता है ये कार्बन कहाँ से आता है, ठीक है ना। प्लांट जो एनिमल रेस्पिरेशन है उससे आता है, ठीक है ना। जितने भी ओशियन में फोटोसिंथेसिस हो रही है एंड रेस्पिरेशन साथ में चल रही है। डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये कार्बन साइकिल का पार्ट है। कार्बन साइकिल चलती कैसे है, ये एक आपके एग्जाम में भी है, सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो, बहुत ही सिंपल है, इसको याद भी कर लेना, ऐसा नहीं याद नहीं करना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ कहाँ से आ रही है बता सकते हो, CO2 कहाँ कहाँ से आ रही है। रेस्पिरेशन से आ रही है ना, मोस्टली कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से, ठीक है। हाँ, ये देखो ये फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है, है ना। और बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन, प्लांट के रेस्पिरेशन से भी आ रही है, डिफॉरेस्टेशन से भी आ रही है ना, एंड ओशियन में जो बैक्टीरिया है हाँ उनसे भी आ रही है। तो ये सारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, दे रिजल्ट इन व्हाट, दे रिजल्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस हो रही है लार्ज स्केल पे। अब हमें क्या करना है, ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस की वजह से ढेर सारा फूड स्टोर होगा, तो वेरी सिंपल। व्हाट इज द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल मींस प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड एसिमिलेशन इनटू द फोटोसिंथेसिस। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कनेक्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। यस ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट चलाता हूँ स्लाइड। तो इस तरह से जब डेड होगा है ना प्लांट या एनिमल, तो वो सारा कार्बन कहाँ आ जाएगा, सॉइल में, ठीक है। फिर हाँ, फिर अगेन सॉइल से फिर वो कन्वर्ट होती है हाँ फॉसिल फ्यूल में, एंड देन ऑल द कार्बन कैन बी लॉग्ड इनटू द फॉसिल फ्यूल, एंड देन साइकिल गोज ऑन, है ना। कोल बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन, एंड ऑल्सो दीज फॉसिल फ्यूल आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैसेस, है ना। सो अ लॉट ऑफ CO2 इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेरिक CO2। Nowadays, what you can see, there's a lot of CO2. Lot of CO2 means they are creating a greenhouse gases, global warming, है ना, because of greenhouse gases. So in that regards, there is a immense role of soil microorganism. ठीक है ना, तो बहुत सारा role हो जाता है soil microorganism का. अभी disconnect हो जाएगा, तो connect कर लेना फिर से, क्योंकि हर 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट होता ही है, ठीक है ना। यस सर। तो माइक्रोब्स कितने तरह के हैं, पहले तो ये जान लो, फंजाई बैक्टीरिया सभी माइक्रोब्स हैं, है ना। और कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसे होते हैं जो सड़ाने का काम करते हैं ना, डिग्रेडर है जिनको कहते हैं, वो हमेशा किसी भी चीज को डिकम्पोज करते हैं, हाँ डिकम्पोजर है। तो दे अटैक सेलुलोज एंड रिलीजेस कार्बन, एक तो वो हो गए, और दूसरा हो गया जैसे ट्राइकोडर्मा एस्पर्जिलस पेंसिलिनियम, ये अटैक करते हैं सेलुलोज पे। दूसरा है मरासिमस गैनोडर्मा, है ना, गैनोडर्मा मशरूम पे वर्कशॉप भी करने वाले थे, कोरोना का कहर आ गया तो फिर गड़बड़ हो गया। तो सेल्यूटा ये लिग्निन को अटैक करते हैं, तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है, जो भी प्लांट है वो डिकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है ना। और बैक्टीरिया कुछ है जो हमें सेलुलोज को भी कन्वर्ट करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज लिग्निन को अटैक करते हैं। तो इस तरीके से आपको नाम याद करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल, अब नाइट्रोजन साइकिल तो जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नाइट्रोजन प्लांट्स में आती कैसे है, तो दो तरह की होती है। एक तो एसिमिलेशन, जो बैक्टीरिया एसिमिलेट करते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं कि भाई प्लांट फिक्स हो जाए, राइट। और कुछ होंगे जो कि जैसे ये देखो एसिमिलेशन, ठीक है ना, एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द प्लांट्स, है ना, एंड दे आर एसिमिलेट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन।
अब इसको क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ओके एरोबिक एनारोबिक तरह के डिकम्पोजर्स होते हैं। हेलो, हाँ, ये क्या करते हैं कि ऑल दे आर डिकम्पोजिंग, जो भी आती है चीजें, जो भी वेस्ट आ रहा है इनको डिकम्पोज करेंगे, तो ये असेम्बलेशन हो गया। फिर क्या होगा कि अगर मान लो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैक्टीरिया जो होते हैं ये असेम्बलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन प्लांट में फिक्स होती है, प्लांट में फिक्स होगी तो प्लांट को एनिमल खाएगा, है ना, तो एनिमल का नाइट्रोजन यस काउ डंग के रूप में आएगा और सॉयल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में आएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एसिमिलेशन, द एसिमिलेशन एज ए लॉन्ग साइकिल, है ना, मीन्स प्लांट से आ जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सॉइल फॉर्म ऑर्गेनिक, में, हाँ सॉयल में, एंड देन डिकम्पोजर्स आर डिग्रेडिंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब सिंपलेस्ट यस फॉर्म में आएगा देन दे फर्दर विल बी, नाइट्रोजन हाँ, एरोथेनिक, अब ये डिकम्पोजर्स से जब आएंगे तो देर आर टू प्रोसेस, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब यहां से ये डिग्रेडेशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी एसिमिलेशन तो हो गई, एसिमिलेशन मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द प्लांट्स एंड सॉयल, ठीक है, हाँ ठीक सॉयल में, सॉयल और प्लांट्स में दोनों में चली गई, एसिमिलेशन हो गया। तो एक्चुअल में है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन एटमोस्फियर इज मच हायर, है ना, अराउंड 70%, मोर देन 70%। सो हाउ दे कैन बी एसिमिलेटेड इन टू द प्लांट, ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। जब बरसात होती है तो बहुत सारा बिजली स्पार्क होती है, तो उनके हेल्प से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके हेल्प से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो वो प्लांट के थ्रू एनिमल में, एनिमल से आ जाते हैं सॉयल में, सॉयल से डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर में दो प्रोसेस होनी है, एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉयल बैक्टीरिया कन्वर्टिंग देम इनटू द अमोनिया। अब जब ओके अमोनिया बन गई तो फिर उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है ना, नाइट्रिफाइंग यस बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट में, और फिर ये नाइट्राइट से कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट में, नाइट्रेट हाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, अब ये फिर से एटमॉस्फेयर में जा सकता है, या तो एटमॉस्फेयर में जाएगा या तो फिर इसकी डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की द्वारा सॉयल में अगेन मिक्सिंग हो जाएगी, दैट्स फॉर्म द लीची। तो ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया विजय, तो कल पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, है यस ना। सर, मटेरियल अच्छा रेडी कितना है, मटेरियल रेडी है, सब बच्चों को बोल दो कि कल ज्वाइन करें, बजे 10 बजे, 10 बजे ठीक रहेगा, सर? 10 बजे से क्लास लगती है यस ना, सर 9 बजे से रखा कि तुम लोग 9 बजे तो वैसे लेट लती रहते थे, 10 बजे ठीक जी है। और ये आराम से ये सारा साइकिल पढ़ेंगे, ये पूरा स्लाइड तैयार है, ठीक है, तो ये यस रोल ऑफ बैक्टीरिया कल हम लोग पढ़ेंगे, बता देना, वीडियो अभी मैं शेयर कर दूंगा, लोग देख ही लेंगे।